नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कोटड़िया स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल सॉफ्ट लैब पे। इस चैनल पे मैं हर बार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। जो आप मेरी चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरा न्यू वीडियो कोई भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादातर बात न करते हुए इस वीडियो में हमको क्या मिलने वाला है, क्या सीखेंगे, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू हाईलाइट माउस पॉइंटर। मेरा माउस का जो पॉइंटर है उसको हाईलाइट कैसे किया जाता है। हमको दोस्तों रिक्वायरमेंट रहती है, हम कहीं भी ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो हमारा जो ऑडियंस है उसको हमको हमारा पॉइंटर दिखा के हाईलाइट करना पड़ता है। कोई ऐसा कंटेंट हो जो छोटा हो उसको जूम करने की रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं भी कहीं ऐसी भी जगह हो, फॉर एग्जाम्पल 100% वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मेरे को हाईलाइट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बगल में मेरे को कोई ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल से हाईलाइट करना है, स्क्वायर से हाईलाइट करना है फॉर एग्जाम्पल, उसमें मेरे को एरो करना है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल करना है, ऐसा कुछ भी करना है लाइव सेशन में या कोई मेरा ऑनलाइन वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे किया जाता है, तो चलो दोस्तों इस शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं वेबसाइट ओपन करूंगा google.com, वहां पे ओनली वन कीवर्ड लिखूंगा जूम इट, ZOOMIT। एक कीवर्ड लिखने के बाद यहां पे पहली लिंक आएगी docs.microsoft.com डाउनलोड, ये पहली लिंक पे मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जूमीट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और वहां पे लिखा है डाउनलोड जूमीट। ओके, उस पर ओनली मेरे को क्लिक करना है। क्लिक हो जाने के बाद ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो गई। अभी मेरे को चेक करना है, यहाँ पे बहुत सारे वेरियंट में आता है, कोई भी वेरियंट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जूमीट डॉट exe। ओके, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यस, ये मेरा लाइव यहां पे आ जाएगा जूमीट। ओके, बाद में आप देख सकते हैं किसी भी वेरिएंट का यूज करना है, लाइव चल रहा है और जूम करना है, Ctrl+4 प्रेस करने के बाद लाइव जूम होगा, ये यहां पे देख सकते हैं। किसी भी ड्रॉ करना है, किसी भी पर्सन में हमको हाईलाइट करना है कि फॉर एग्जाम्पल है माई कंप्यूटर है, इसको मेरे को हाईलाइट करना है, तो पहले कोई भी आइटम ड्रॉ करने के लिए Ctrl+2 प्रेस, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। Ctrl+2 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ करने के बाद शिफ्ट की के साथ आप करेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल करने के लिए कंट्रोल की करना पड़ेगा, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो शिफ्ट के साथ है, ओके, कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है तो टैब के साथ है, एरो प्रेस करना है तो C+Ctrl करना है, ऐसा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो कंट्रोल वाली है वो, और ऐसे आप जूम इन जूम आउट और ड्रॉ कर सकते हैं। बताता हूँ आपको ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं Ctrl+2 कीबोर्ड में से प्रेस कर रहा हूँ और अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई भी हाईलाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल एस्केप प्रेस करके मैं वापस जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई कंप्यूटर मैंने ओपन किया है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल पैनल में आपको ओपन करके बताता हूँ, कोई भी यस फॉन्ट को मेरे को हाईलाइट करना है तो मैंने ऐसा किया, Ctrl+2 प्रेस किया, अभी ड्रॉ मोड में चला गया, बाद में कंट्रोल प्रेस करके ऐसा मैंने किया, बाद में अभी शिफ्ट की के साथ में करूंगा तो ऐसा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं टैब की के साथ करूंगा तो ऐसा सर्कल हो जाएगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में करूंगा तो ऐसा एरो आ जाएगा। आपको किसी भी जगह पे हाईलाइट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, अभी इस मोड में से बाहर निकलने के लिए ओनली एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और कोई भी लिखना है हमको तो उसका भी रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइप करना है, कोई भी सैंपल फॉन्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। रेडी टाइप मोड, वंस ड्रॉइंग मोड में जाने के बाद टी एंटर करने के बाद ये सब कुछ हो गया, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल Ctrl+2। ओके, इसके बाद मैं टी प्रेस करूंगा तो मेरे को कुछ भी यहाँ पे लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, टेम्पररी बेस पे वो आ जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। ओके, मैं बाहर निकल गया हूँ ऐसे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, बहुत सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में वीडियो लेके आता ही रहता हूँ, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।